दोस्तों, स्टार प्लस का लोकप्रिय शो नामकरण अपनी कहानी और किरदारों के कारण काफी सुर्खियों में बना हुआ था। दर्शकों ने सीरियल की कहानी के साथ नील और अवनी की लव केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया था, जिसके चलते ये सीरियल टीआरपी के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, सीरियल को ऑफ एयर हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं सीरियल में प्यारी सी अवनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है और कैसे दिखती है? अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अपनी प्यारी सी अवनी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस के शो नामकरण में अवनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम अदिति राठौर है, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1993 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई। अब बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के फेमस सीरियल कुमकुम भाग्य से की थी, जिसमें इन्होंने आकाश अजय मेहरा की वाइफ रचना मेहरा का किरदार निभाया था। सीरियल के बाद इन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट के शो एक दूजे के वास्ते में काम किया, पर अफसोस इन दोनों सीरियलों में इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, क्योंकि दर्शक भी हमेशा लीड कैरेक्टर को याद करते हैं। इसी के चलते अदिति राठौर ने खूब मेहनत की और कई शोज के ऑडिशन दिए, तब जाकर इनकी किस्मत चमकी और नामकरण सीरियल में इन्हें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने अवनी का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। इस सीरियल में इनके ऑपोजिट जैन इमाम भी नजर आए थे। दर्शकों ने इनकी प्यारी से लव केमिस्ट्री और अवनी की एक्टिंग और ड्रेसिंग सेंस को काफी पसंद किया था, जिसके चलते अदिति इस सीरियल से काफी फेमस हो गई थी। आलम तो ये हो गया था कि जब इस सीरियल का द एंड हो रहा था तो दर्शक भी काफी नाराज हुए थे। इस सीरियल के बाद अदिति राठौर किसी और सीरियल में नजर नहीं आई और टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नामकरण सीरियल में अवनी का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीतने वाली अदिति राठौर आज पहले से काफी बदल चुकी हैं। आज ये 26 साल की हो गई हैं और पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत, स्टाइलिश एंड हॉट नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनका अफेयर एक समय श्रीधर के साथ चल रहा था, पर अदिति नामकरण सीरियल की शूटिंग में इतनी बिजी हो गई थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड श्रीधर को टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया। श्रीधर से ब्रेकअप होने के बाद इनका नाम इनके को एक्टर जैन इमाम यानी नील के साथ भी था। दरअसल एक बार जैन इमाम ने इन्हें इनडायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। तो दोस्तों, आपको अवनी और नील की जोड़ी नामकरण सीरियल में कैसी लगी थी और क्या आप भी चाहते हैं कि जैन इमाम और अदिति राठौर की जोड़ी दोबारा से किसी और सीरियल में नजर आए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।